तो हम बात कर रहे हैं आपके साथ एक छोटी सी प्रोजेक्ट की। हमने पिछले क्लासेस में आपके साथ दो प्रोजेक्ट किए थे, एक में था दोनों डेटा कलेक्शन था, एक डेटा सेपरेशन था, दूसरा डेटा कलेक्शन। बराबर। हेलो, एक में हमने बताया था आपको किस तरह से डेटा हम कई शीट का डेटा एक शीट पे लेके आएंगे। दूसरे में हमने बताया था कि कैसे हम एक शीट का डेटा कई शीटों पे सेपरेट। अब डेटा जब क्रिएट करते हैं तो दो तीन प्रॉब्लम होती है, चलिए इन प्रॉब्लम के बारे में आपके साथ हम डिस्कस करें। अब पहली प्रॉब्लम यह है कि मैं चाहता था कि डेटा सेपरेट की बात हुई तो मैं चाहता था कि सीट में, जैसे आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं इसको रन करूं यहाँ से माइक्रो जो हमने लास्ट टाइम बनाया, यहाँ डेवलपर में गया, माइक्रो में गया और हमने कॉपी डी डेटा को रन कर, तो आपने देखा कि सारे शीट का डेटा एक शीट में कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया सर। हाँ सर। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि हमने बताया था आपके साथ कि जो हमारा सीट का नेम है, जो सीट का नेम है वो सीट का नेम कैसे आए। चलिए हम कोड के अंदर जो कोड हमने लास्ट टाइम लिखे थे उसी में एडिशन करते हैं। तो विजुअल बेसिक पे क्या है, डबल स्क्रीन कर देते हैं ताकि दोनों को दिख जाए। तो हमारा कॉपी डी था, पहला माइक्रो यही पे था, दिख रहा है सर। तो कॉपी डी में हमने यहाँ पे किया हुआ था, मैं थोड़ा सा नीचे तक इसको ले आता। अभी से मुझे सीट का नेम चाहिए, तो सबसे पहले ऊपर हम एक वेरिएबल लेंगे, हम यहाँ करेंगे डीम आर एज ए, या सीट नेम के लिए एस एज ए हमने कर दिया स्ट्रिंग, क्या कर दिया स्ट्रिंग। और जैसे सीट एक्टिवेट कर रहे हैं ना उसी से ऊपर हम एस इक्वल टू कर देते हैं सीट्स और इसमें कर देते हैं आई डॉट नेम उसका सीन एस पे। अब डेटा हमने यहाँ पे डेटा पेस्ट किया, जैसे कि इसने क्या किया वो क्या किया कि इस डेटा को सिलेक्ट किया कॉपी किया डेटा सीट पे गए, इस सीट का नाम कहाँ चला गया यहाँ आ गया एस पे आ गया, ठीक है सर। और सबसे लास्ट दिवाले डेटा सीट पे गया और डेटा सीट पे जाके इसने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये जो एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो क्या करता है इस कॉलम को डिलीट कर देता है। अब बराबर। मुझे पता है, अब मान लीजिए मुझे पता है कि मेरा सीट का नेम डालना है किसमें, एच हमारा लास्ट कॉलम है, आई में डालना है, पता है फिलहाल, नहीं पता होगा तो उसको भी डायनेमिक करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे रेंज ए एच एच 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप, ठीक है, डॉट ऑफसेट, और ऑफसेट में क्या होगा 0 रो 1 कॉलन डॉट स्लैब, मतलब कि नीचे से ऊपर कर्सर जाएगा फिर एक अगली सेल में आ जाएगा कर्सर, समझ गए। सही। अब मुझे यहां पे करना है कि रेंज एक्टिव सेल स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट हो गया एक्टिव सेल डॉट एंड, और इसमें हमने क्या किया एक्सलेस आप डॉट ऑफसेट 1,1,0 और इसका हमने दिया डॉट वैल्यू इक्वल टू एस, क्योंकि एस पे सीट नेम है, सही समझ गया। सही। अब हाँ इसमें हमें ऑफसेट क्या हुआ कि एक्टिव सेल कर्सर था, हमने कंट्रोल शिफ्ट के साथ ऊपर गया और फिर वन पे। ऑफसेट हाँ, क्या किया एक सेल नीचे आ गया, एक से नीचे आ गए ये पकड़ जरूरी है वरना क्या होगा कि ऊपर वाली वैल्यू को भी रिपीट कर दे। ले।
राइट सर। सही। अब इसको हमने यहाँ पे रन करते हैं, यहाँ से एफर्ट करके रन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए I1 हुआ, seat 1 चेक किया कि डेटा तो नहीं है, नहीं है। तो सीट का नाम जो है किस पे डाल दिया, एस पे, तो एस पे D1 आ गया। फिर वो S D1 पे गया, डेटा को कॉपी किया, वापस डेटा सीट पे आया, एक के नीचे गया, डेटा को ये जो सेल दिख रहा है इस सेल को इसने डिलीट किया। डिलीट करने के बाद फिर यहाँ पे कर्सर लेके आया, फिर पूरे को सिलेक्ट करके क्या डाल दिया, सीट पे। फिर सेम प्रोसीजर वो दूसरे सीट के लिए करेगा। अब देखिए दूसरे सीट का नाम D1 आ गया, शीट नेम कहाँ से लिया उसने, जो इफ शीट कर गया आई? नहीं यहाँ नहीं वो नहीं। अच्छा यस, एस इक्वल टू ओके ठीक। ठीक है। फिर उस सीट पे गया, उसका डेटा कॉपी करेगा, फिर डेटा सीट पे आएगा, फिर एक नीचे पेस्ट करेगा, फिर डिलीट करेगा, फिर वो जाएगा लास्ट वाले सेल में, और फिर यहाँ D2 पे करा। इसी प्रोसीजर को कंटिन्यू करता चला। मना आ गया। सही है, सही, तो परफेक्ट। बस ये दो लाइन आपको लिखना था, लेकिन आप नहीं सोच पाए। बताइए आपको रेंज ऑफसेट सब तो आता था ना, आता था सही। बट आप रिमाइंड नहीं कर पाए। अब ऐसा तो नहीं था नहीं आता था आपको, ये चीजें आपको आती। लेकिन अब चलिए जो थोड़ा वेरिएबल सा, आपने, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड में चलते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा, हालांकि मैं आपको समझा रहा हूँ, करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम होती है, अभी आपके हर शीट के ऊपर जाते हैं जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हर शीट के अंदर क्या है, हर सीट के अंदर का जो डेटा है वो डेटा बिल्कुल सेम है, हेडिंग बिल्कुल सेम है। एक मिनट दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी। ओके। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर मान लीजिए हर कॉलर में अलग अलग हो तो क्या हो, तो उसके लिए मैंने एक कोड बनाया है जो कि आप देख पा रहे हैं। दिख रहा है सर? हेलो, अब आपको हेलो। इस कोड को समझना है। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है शायद। हाँ इंटरनेट स्लो हो गया है, हाँ तो इस कोड को आपको समझना है सर, और समझ के इसको ट्राई कर। ठीक है सर, एक कोड मैं आपको भेज रहा हूं, ठीक है सर। ये फाइल पूरी भेज रहा हूं, इसको समझिए, इसके आगे हम हाँ इससे जी डिस्कस करें।